अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम सीखेंगे नीचे लहंगे में हम बुकरम का बॉर्डर कैसे बनाते हैं या बुकरम को हम लहंगे में कैसे चिपकाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 मीटर बुकरम ले ली है, चिपकाने वाली पेस्टिंग वाली बुकरम जो आती है वो ले ली है और उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ से ये ट्राइंगल में बन गई है। अब ये जो हमारी फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से हमें चौड़ाई का निशान लगाना है। मैंने यहाँ पर जो चौड़ाई रखी है वो 3.5 इंच की रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जितना भी चौड़ा आपको लहंगे में नीचे बॉर्डर बनाना है बुकरम का, उतनी चौड़ाई आप काट पूरे पर निशान लगा लीजिए और इसको पूरी लाइन को जो हमने ड्रॉ की है इसको लंबाई में इसी तरह से फोल्डेड साइड से काट लीजिए। तो ये देखिए, हमने पूरे में चौड़ाई में निशान लगा लिया है। जो हमारी फोल्डेड वाली साइड है, चौड़ाई का निशान लग गया है यहाँ पर। अब हम इसको पूरे को कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये और भी पट्टी कट हो रही है हमारी। हमने यहाँ पर सीधी बुकरम नहीं काटी है, बल्कि इसको जब हमने फोल्ड किया है ट्राइंगल में, तो ये हमारी जैसे हम और भी पट्टी काटते हैं उसी तरह से हमने ये और भी बुकरम काटी है पूरी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 5-6 पट्टियां बड़ी बड़ी काट ली हैं, क्योंकि मेरे जो लहंगे की घेर है पूरा नीचे का वो 4.5 से 5 मीटर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5 से 6 बड़ी बड़ी पट्टियां कट कर ली हैं। और ये देखिए, हमारी प्लेन वाली साइड है और एक साइड हमारी ये पेस्टिंग वाली है जो कि हम प्रेस से चिपकाएंगे। अब ये मेरा लहंगा है, लहंगे की उल्टी साइड पे मैं ये बुकरम इस तरह रखूंगी कि जो चिपकाने वाली चमक वाली साइड जो जहाँ से हम चिपकाते हैं वो नीचे की तरफ रखना है और इस पर पूरी लंबाई पर यहाँ कट लगाने हैं ऊपर की साइड, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। और इनको कट को एडजस्ट करते हुए प्रेस गरम कर लीजिए और इस तरह से ऐसे पूरे घेर में आप बुकरम को चिपका लीजिए। इस तरह से हम बुकरम लगाते हैं तो हमारा बिल्कुल भी लहंगे में गोलाई में, यहाँ पे मेरा और भी लहंगा है, बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। अगर आप सीधी बुकरम लगाएंगे तो आपका बहुत ज्यादा झोल हो जाएगा, इस तरह लगाएंगे आपकी बहुत फिनिशिंग आएगी। इसी तरह से जब एक पीस खत्म हो जाए वहीं से आप दूसरे कोने को भी इस तरह चिपका लिए जैसे मैंने वीडियो में चिपकाया है। और ये जो बचा हुआ साइड है इसको काट दीजिए। अब हम इसको एक कपड़ा लेंगे लहंगे से मैच करता हुआ कलर का, तो उसको भी हम और भी पट्टी में ही कट कर लेंगे। जितनी हमारी बुकरम की चौड़ाई है उससे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर ये पट्टी कट कर ली है इस तरह से। ये जो पट्टी है हम इसको इस तरह नीचे रखेंगे। पहले हम अपनी सारी और भी पट्टियों को जोड़ लेते हैं आपस में। तो सिलाई की मदद से आप जितनी भी और भी पट्टियां आपने कट की हैं, आपको यहाँ से 5 से 4 मीटर कपड़े की जरूरत होगी लंबाई में। तो मैंने ये पूरी पट्टियों को इस तरह से जोड़ लिया है आपस में। अब हम इसे लहंगे में अटैच करेंगे, जो हमारा लहंगा है उसमें। तो इस तरह से आपको लहंगा लेना है अपना और जो आपकी पट्टी कट की हुई है उसको नीचे रखिए और ये नीचे, ये ऊपर रखिए लहंगा अपना, और इस तरह से पूरे पर सिलाई लगाते जाइए। तो ये देखिए, हमारे में पूरे में सिलाई लग गई है। अब आप इस तरह से नीचे वाले फैब्रिक को ऊपर की तरफ लाइए और जो हमारे लहंगे की सीधी वाली साइड है, ये हमारी सीधी साइड है, इस पर एक टॉप स्टिच लगा लीजिए थोड़ी बड़ी बखिया से। इससे क्या होगा, आपकी लहंगे की जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा आपकी। तो जैसे मैं खींच कर नीचे से कपड़ा ले रही हूँ और बिल्कुल एक कोने पर सिलाई लगा ले रही हूँ, इस तरह आप भी एक सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, हमारी सिलाई लग चुकी है पूरे पे। अब हमारी दूसरी जो साइड बच गई है, यानी जो हमारा कपड़ा खुला वहां से हो रहा है, हम उसको भी फोल्ड करके उधर भी एक सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये बुकरम लगाने का, ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा वीडियो में। तो ये देखिए, हमारा ये जो अब कपड़ा आ रहा है इसको अंदर फोल्ड करते हुए और बुकरम की किनारे किनारे इस तरह कपड़ा लेंगे कि बुकरम के किनारे किनारे हम ऐसे भी सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, इस तरह से आपको पूरे में सिलाई लगा लेनी है और बहुत, जब आप इसको सीधा करके देखेंगे तो आपको इतना सा भी झोल देखने को नहीं मिलेगा और इतनी ज्यादा फिनिशिंग आएगी आपकी, इससे आपका लहंगा बहुत ज्यादा खड़ा खड़ा रहेगा। तो ये देखिए, हमारी पूरे पे सिलाई लग चुकी है। मैं आपको सीधी तरफ से दिखाती हूँ, देखिए जरा भी झोल नहीं आ रहा है लहंगे में, ये देखिए इस तरह से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।